तो हम पढ़ने जा रहे हैं टैग क्वेश्चन इंग्लिश के अंदर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है इसको इतनी इंपॉर्टेंस आज मैंने जैसे कहा इसको इतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती मगर ये बहुत अहम लेक्चर है बड़ा इजी सा लेक्चर है और बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पोकन में और रिटर्न में भी तो इसी पर डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर का नाम है टैग क्वेश्चन ओके टैग क्वेश्चन ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा ये टैग क्वेश्चन कि ये टैग क्वेश्चन है क्या तो सबसे पहले नॉर्मली वेन आई गिव लेक्चर Whenever I give any lessons, so I always write a small definition. But today you can see I have written the big a detail, you know, the definition. Normally my choti definition likes to ask tag question ki buddy, johna tag questions ki body definition. So note a tag question in a tag question, a statement turned into a question by adding verb tag at the end. We separate them by, we separate them by comma. Okay? Kya hai tag question. किसी भी जुमले के एंड में कॉमा लगा के एक मिनी क्वेश्चन बनाया जाता है मिनी क्वेश्चन बनाया जाता है उसको कहते हैं टैग क्वेश्चन क्यों बनाया जाता है इसलिए बनाया जाता है इट इज यूज टू से इट इज यूज टू दैट थिंग्स यू थिंक आर ट्रू इसलिए बनाया जाता है कि जो चीज हम सोच रहे हैं, the things we are thinking are true. जो चीज़ खेलते हो क्या नहीं खेलते सवाल है क्या नहीं खेलते ये क्या है टैग क्वेश्चन तो मार्केट जाओगे क्या नहीं जाओगे ये क्या है टैग क्वेश्चन तो ये टैग क्वेश्चन इंग्लिश में इतने ज्यादा इस्तेमाल होते हैं इतने ज्यादा यूज करते हैं हम लोग टैग क्वेश्चन मैंने बहुत देखा है इवन ईवन राइटिंग में बहुत सारा कुछ देखा है एक ऑडियो क्लिप सुन रहा था मैं आइल्स का तो उस ऑडियो क्लिप में एक लेडी कहती है कहती है टैग क्वेश्चन यूज़ करती है वो कंप्लेन कर रही है लेडी कंप्लेन कर रही होती है ट्रैवल एजेंट को कि आपने हमें हॉलीडे पर भेजा है और आपने हमें कहा था ये ये फैसिलिटीज़ होंगी ये ये फैसिलिटीज़ नहीं थी वो कहती है यू सैट एयरपोर्ट टैक्स इज इंक्लूडेड दिस एंड दैट आप कहती है फिर वो कहती है यू सैट दैट फूड इज़ फ्री एंड वॉज नो फूड वी लिव ऑन सैंडविचेस कहती है देर वॉज नो फूड ट्रैवल एजेंट को कहती है आपने कहा था हमें हम वापस आए जो आपने ब्रोशर दिया था उसमें लिखा था कि फूड इंक्लूड है बट फूड इंक्लूड नहीं था फिर कहती है वी लिव्ड ऑन सैंडविचेस सैंडविचेस हम sandwiches पे रहे और फिर अपने हस्बैंड से कंफर्म करती है कहती है वी वी लिव्ड ऑन सैंडविचेस डिड डार्लिंग क्या क्या हम नहीं रहे? क्या हम नहीं नहीं रहे रहे तो टैग क्वेश्चन इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है और इतने अच्छे एक्सप्रेशन में उसने कहा सो इन अ टैग क्वेश्चन स्टेटमेंट टर्न्स इनटू अ क्वेश्चन बाय एडिंग वर्ब टैग एट द एंड ऑफ एंड में लगाते हैं ये मिनी क्वेश्चन ये 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 देखें सेंटेंस है इसके एंड में ये मिनी क्वेश्चन लग गया और ये टैग क्वेश्चन बन गया और इसको सेपरेट कैसे करते हैं क्या लिखा हुआ है ब्रैकेट में मैंने वी सेपरेट बाय कॉमा कॉमा से ये मिनी क्वेश्चन सेपरेट होता है मिनी क्वेश्चन क्या टैग क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मिनी क्वेश्चन मीन टैग क्वेश्चन कॉमा से ये सेपरेट होता है अब ये बनता कैसे है इसकी एक लॉजिक है अगर वो लॉजिक समझ आ गई तो पूरा टैक क्वेश्चन समझ आ गया यही लॉजिक लोगों को पता नहीं होती है एंड आई 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 नोटिस ऑब्जर्व रियलाइज एनालाइज दैट पीपल दे स्पीक द टैक क्वेश्चन दे नॉर्मली स्पीक रॉन्ग ज्यादातर लोग जो बोलते हैं टैक क्वेश्चन वो रॉन्ग बोलते हैं क्योंकि उन्हें ये जो है ना एक छोटी सी ट्रिक है ये ट्रिक ये टिप उनको पता चल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वो क्या टिप है पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग बिल्कुल सीधी बात क्या है अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैक्स क्वेश्चन क्या बनेगा नेगेटिव बनेगा देखे ना ये पॉजिटिव क्वेश्चन था पॉजिटिव सेंटेंस था पॉजिटिव स्टेटमेंट था पॉजिटिव स्टेटमेंट था तो टैक्स क्वेश्चन क्या बना नेगेटिव बना और यही ये देखें नेगेटिव सेंटेंस है और टैग क्वेश्चन क्या बना पॉजिटिव बना यही क्या सेंटेंस पॉजिटिव है मैंने क्या कहा वी लिव ऑन सैंडविचेस हम सैंडविचेस पे रहे डेंट वी डार्लिंग डेंट वी डेंट वी उसने नेगेटिव यूज किया आगे ओके okay? तो जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा और जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो टैग क्वेश्चन

कैसे बनता है ये question? Subject plus auxiliary plus plus object और फिर मैंने याद रहे आपको कहा था कॉमा से सेपरेट करना है फिर दोबारा ऑक्सिलरी आएगा और फिर अगर पॉजिटिव है तो यहां पे नॉट भी आएगा अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे नॉट नहीं आएगा फिर प्रोनाउन देखे एग्जांपल फर्स्ट सेंटेंस ही वो कम टुमोरो ही वो कम टुमोरो आजकल शॉर्ट करके टुमोरो क्या बोल रहे हैं मोरो क्या मोरो एसएमएस लैंग्वेज है ये मैं जो है ना एसएमएस लैंग्वेज है ये को, कोई आप ये नहीं समझेगा कि आप रिटन में इधर-उधर आप लोग लिख दें ऐसा नहीं मोरो क्या है शॉर्ट टुमारो को आजकल मैं देख रहा हूँ के मैसेज पे हंग्री को मैंने देखा हॉंग हॉंग शॉर्ट करके लिखते हैं आई एम वेरी हॉंग टुडे मैंने ये कहा ये हॉंग क्या है मूवी आई लिसन इन अ मूवी द पर्सन वाज़ यूजिंग द पर्सन वाज़ यूजिंग दिस वर्ड हॉंग आई वाज सरप्राइज अमेज आई थॉट व्हाट इज ही ट्राइंग टू से सो when i pay attention then i came to know that he was trying to say hungry so in a short he was using same like cats i see people they're using cats for what you're in cat a you're in cat b so i was thinking about cats also i listen this in a movie also cat mean category the short form nowadays anyway people are using so he'll come tomorrow he will come tomorrow vokal I me apuketong he will come apuketong ka he will come tomorrow vokal aega. और फिर टैग क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं मैं सही कर रहा हूं मैं आपसे कंफर्म करता हूं ये बात मैं कहता हूं, को मिला के क्या बोलते, बोलते हैं है. है ना वाउंट ओके सो ही वो कल आएगा क्या नहीं आएगा वॉन्ट ही सेंटेंस पॉजिटिव है टैग क्वेश्चन नेगेटिव है कैसे बना टैग क्वेश्चन लगा प्लस री भी है विल फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वो अभी इतना ज्यादा लोग बहस करते रहते हैं मुझसे कहते हैं कि थर्टी सेकंड की रील वाली में थर्टी सेकेंड की वो वीडियो एक पार्ट होता है छोटा सा पूरे वीडियो का तो सिर्फ उसको देखा जाए परमिशन के लिए पॉसिबिलिटी के लिए और जो है विशेष के लिए भी मे अल्लाह ब्लेस यू मे के काफी usable, वो छोटा सा एक पॉइंट आप गलत कह रहे हैं यू कह रहे हैं एनी anyway, वे तो विल एक ऑक्सिलरी भी विल anyway, yes, तो और उसको नॉट को मिला के विल नॉट वॉन्ट वॉन्ट ही ओके ही वो कम टू वॉन्ट ही वो कल आएगा क्या नहीं आएगा टैग क्वेश्चन क्या है वॉन्ट ही ओके कैसे सेपरेट हुआ कॉमर्स से वी हैव फिनिश्ड वर्क हैव वी देखिये फिर पॉजिटिव स्टेटमेंट था रूल के मुताबिक पॉजिटिव स्टेटमेंट था नेगेटिव टैग बना हैव नॉट को मिला के क्या बोलते हैं और ये फॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन है ये एक फॉर्मल कॉन्ट्रेक्शन है वॉन्ट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन है मतलब रिटर्न में भी यूज हो सकता है ओरल में भी इसी तरह है भी में भी यूज हो सकता है और में भी वी हैव फिनिश्ड वर्क हैवेंट भी और ब्रिटिश जब बोलते हैं इसको डिफिकल्ट लगता है एनी वे वी हैव फिनिश वर्क वैसे कौन सा टेंस है ये वाला कौन सा था फ्यूचर सिंपल वी है हमने काम खत्म कर लिया है क्या नहीं किया है ओके okay. अली लाहौर अली लाहौर गया था डेंट ही देखें ये ये नाउन, किस में चेंज हो गया यहाँ पे प्रोनाउन में चेंज हो गया अली की जगह ही लग गया. He, Ali, गया था क्या नहीं गया था तो डिड नॉट को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग डिडेंट और कल तो बड़ा ही शॉर्ट करके मैं देख रहा हूं डिंट और डिंट का भी टी साइलेंट कर देते हैं डिंट आई डिंट क्रिकेट आई डिंट गो देल कॉन्ट्रेक्शन है असल कॉन्ट्रेक्शन यह है डिडेंट

जब नॉट आया यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट बना जब नेगेटिव स्टेटमेंट बना तो टैग कौन सा रेहान की जगह क्या आ गया ही आ गया अब बोलेंगे सर वॉज के साथ नॉट नहीं लगाया मैं कहता हूँ नॉट यहाँ लगा बतरा इसलिए यहाँ नॉट नहीं आएगा वॉज ही ओके ओके मैं कहता हूँ यू आर शार्प यू आर शार्प यू क्या बोल रहा हूं यू आर यू आर शार्प sharp. आप शार्प हो टैग क्वेश्चन क्या बनेगा आर नॉट नी आंट आर नॉट को मिला के आंट यू आर शार्प आंट यू अगर ये होता यू आर नॉट शार्प आर यू आर यू फिर पॉजिटिव होता अगर इधर नॉट आ जाता है लेट सपोज ये अगर ऐसे बनाऊंगा कि यू आर नॉट शार्प तो ये क्या होगा आर यू यू आर नॉट शार आर यू ओके तो एक चाइनीज से हमारी बातचीत हो रही थी एक चाइनीज़ से मेरी बातचीत हुई जब मैं शिपिंग कंपनी में था तो चाइनीज से बातचीत करते करते उसने मुझसे बोला कि जो है पाकिस्तान के बारे में बड़ी अजीब बात सुनी है आखिर का एंड सुनिएगा जो एंड में बताने वाला हूँ question क्वेश्चन उसने लिखा था मुझे टैक् क्वेश्चन तो मैं तो उसने बोला जब बात हो रही थी उसने बोला पाकिस्तान के बारे में अजीब बात सुनी है वह ये है कि पाकिस्तानी एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकते हैं चार शादियाँ कर सकते हैं मैंने कहा हाँ permission need to be taken first from the wife from the first wife and you know you have to give priority you have to prefer

So, what is Yes, they are very lovely. And Aren't they? What is Question mark. Okay. So, she wrote that yes, they are very lovely. Aren't they? So, she no, it is not strictly not allowed, illicit in our religion to eat it and this and that. So, she said, oh, yeah, this is strange. She said, it is not allowed in our religion. And uh, that's why, you know, we don't eat it he said not even on special occasions can i like not even on special occasions special occasions I eat. I said, do you eat on special occasions said, yes we do even on weekend basis we enjoy i said they are very lovely i have a surprise solution so she used the tech question i'm telling you too many places i have seen people they are using the tech questions but log tech question use her tense may हर मॉडल में हर जगह फिट बैठ जाता है ये टैग क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव है नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव सेंटेंस है ओके हैव यू गॉट माई पॉइंट यू क्या मेरा पॉइंट समझ आ गया या नहीं आया कंफर्म कर रहे हैं बात को ओके okay? मैं कहता हूं मैं कहता हूं कि दानियाल इज एबसेंट दानियाल्ट इज इन ही क्या नहीं है कहते हैं यस सर नॉर्मली इसका जवाब क्या यस और नो में होता है जब जैसे मैंने पूछा मैंने कहा एपेंट इज इन ही तो नॉर्मली इसका जवाब सामने वाला क्या देता है यस और नो में देता है यस इज एप्सेंट नो इज नॉट एबसेंट दिस एंड दैट ओके सो व्हाई डोंट यू मेक सम टैग क्वेश्चन यस द फर्स्ट वन इज ही विल गिव प्रेजेंटेशन ही विल गिव प्रेजेंटेशन he? Very good. Okay. They are not, speaking English. not sorry. Are they? Are they? बहुत सारे लोग इसमें जो है ना पेपर के वक्त एक ट्रिक जहन में बिठा लेते हैं पूरा सेंटेंस सुनते ही नहीं है जैसे बोलो ना दे आर नॉट बस बोलेंगे आर दे बोलो दे आर स्पीकिंग इंग्लिश आर दे शुरू के तीन सुनेंगे बस कहते हैं यही काफी है जैसे मैंने कहा

and uh, this is the formula and this is the main rule for the tag questions. i hope you understand. please make some sentences. get fresh or cute with someone. Kisi se free hone ki koshish karna. okay, vocabulary use get fresh or cute with someone. Kisi say. फ्री होने की कोशिश करना आप कहती हैं सर ही इज गेटिंग फ्रेश विद मी या ही इज गेटिंग क्यूट विद मी गेट फ्रेश और क्यूट विद फ्रेशन द सेकेंड ट्रीट लाइक अ पाओ की जूती समझना बहुत बुरी तरह ट्रीट करना ट्रीट लाइक अ डर्ट यू आर ट्रीटिंग हिम लाइक अ डर्ट आई ऑलवेज ट्रीट हिम लाइक अ डर्ट यू ऑलवेज ट्रीट मी लाइक अ डर्ट ट्रीट समाइक ट्रीट सम इक ए डैटर चापलूसी करना चापलूसी करना फ्लैट इज फ्लैटरिंग वेल आई एम फ्लैटर्ड मेरी चापलूसी हो गई चापलूसी करना फ्लैटर्ड ओके फ्लैटर चापलूसी करना इल्यूमिनेट चरागा करना जैसे एक वर्ड होता है ना इल्यूमिनेट

flatter chaplusi you are flattering me i was flattering him illuminate sajana i am i am illuminating my house you are illuminating your house eliminate nikal dena okay eliminate nikal dena i am eliminating two people from the class get fresh or cute with someone treat like a dirt flatter illuminate eliminate